कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इतने कमीने होते हैं, इतने कमीने होते हैं, ज़रा सी चीज़ के लिए अपनी नियत छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अम्बाला ब्लॉगर मीरा शर्मा पे। तो फ्रेंड्स कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ आप लोगों से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहती थी, इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी आप लोगों से, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इस बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को फुल ज़रूर वॉच करना और उसके बाद ही कोई कमेंट करना कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है या गलत है। और चलिए फिर हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। अब तो जो लोग मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि मेरे घर में शादी थी, हमारे मायके में। तो मायके में शादी थी मेरे चाचा के बेटे की। तो हम लोग, मैं और निशा, मतलब वीरवार को वहाँ पर गए थे। वहाँ पे जागो का फंक्शन होना था, तो हुआ भी फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन जो है, जागो हमारे यहाँ पे होता नहीं है, ये पंजाब की रस्म है, तो पंजाब में ही होता है, हमारे यहाँ पे नहीं होता यूपी में। लेकिन हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, तो चाची ने सोचा कि हम लोग अपने घर में ये फंक्शन करते हैं। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है। और बुआ की लड़की थी, उनकी भी शादी में ये फंक्शन किया था, तो बहुत अच्छे से किया था, बहुत इंजॉय किया सब लोगों ने। तो ये रस्म देखने का मेरा भी मन हो रहा था, इस रस्म में शामिल होने का मेरा मन हो रहा था। तो हम लोग, मैं और निशा वीरवार को यहाँ से गए थे अम्बाला से, और निशा को मामा के घर पे जाना था, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी चले गए थे। और अनिल शादी से एक दिन पहले आए थे। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो मेन मुद्दे पे आते हैं। बात सैटरडे की है, तो सैटरडे वाले दिन पापा मतलब हॉस्पिटल से उनकी दवाई चल रही है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास मैं चली गई और निशा मामा के घर पे चली गई, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था हम लोगों को। तो फंक्शन वहाँ पे, मतलब खाना जो था वो 1 बजे का था, लोग 3 बजे घर से निकले थे, 3 साढ़े 3 बजे के करीब में। और ओला बुक करवाने के लिए कहा था, तो अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो उसमें 3 लोगों से ज़्यादा नहीं बिठाते हैं, तो इसलिए पापा से हमने बोला कि आप ऑटो करवा लो। तो पापा गए, ऑटो वाले को बुला कर लेकर आए, और यहाँ से हम लोग ऑटो पर गए। और थोड़ा हमने सामान रखा था अपना, और वो सामान जो है वो ऑटो वाले भैया के साथ ही चला गया। और ऑटो वाले भैया चाहते तो वो सामान हमें वापस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि अगर आपके पास किसी का सामान गलती से कुछ रह जाता है या कुछ आपको मिल जाता है, तो आप उसको, क्या आपको वापस नहीं करना चाहिए? कुछ लोग, शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने ख़राब होते हैं, इतने कमीने होते हैं, मतलब क्या कहूँ उनके बारे में, मतलब मुंह से मेरे बहुत ही गलत ही निकल रहा है, लेकिन क्या करूँ, बहुत कंट्रोल करा है कि हाँ कुछ उनको गलत ना कहा जाए, लेकिन फिर भी होता है ना कि अगर अपना कोई चीज़ नुकसान हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। ये तो शुक्र है कि उसमें हमारा ज़्यादा कुछ नहीं था, एक निशा का सूट था, मेरा एक सूट था, और हमारे छोटे काके का है एक सूट उसका था, और निशा का जो शादी में उसने मेकअप का थोड़ा सामान लिया था उसमें से भी थोड़ा सामान था। और हमने शॉपिंग की थी अभी जाने से 2-3 दिन पहले शॉपिंग की थी, तो वो शॉपिंग का थोड़ा सामान था। और हमने घर पे कपड़े नहीं चेंज किए थे, हमने सोचा था कि हम रात को जाएंगे, तो रात के टाइम में जागो होती है, तो रात के टाइम में हम कपड़े चेंज करेंगे फंक्शन में। और वो हम ऑटो पर बैठे और मतलब ऑटो से उतरे हम लोग, और सामान का हमें ध्यान नहीं रह गया, सामान जो है वो अरमान लेके गया था, पहले ही उसने रख दिया और पीछे रखा, तो हम लोगों को ध्यान नहीं आया। लेकिन भैया चलो, हम लोगों की भी गलती है, मैं मानती हूँ कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए था, तो ध्यान नहीं रह गया हम लोगों को। अगर आगे रखा होता तो देखते, तो शायद पता चलता, तो उठा लेते हम लोग देखते अगर, लेकिन पीछे रखा हुआ तो किसी का भी ध्यान नहीं गया, ना पापा का, ना मम्मी का, ना मेरा, भाभी का, निशा का, किसी का भी ध्यान नहीं गया। और जो ऑटो वाले भैया थे वो, उन्होंने हमें घर से पिकअप किया था, हमें पिक किया था, तो अगर वो चाहते तो वो हमें हमारा सामान वापस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारा सामान वापस नहीं किया, तो इस चीज़ से मुझे मतलब बहुत गुस्सा आया उनके ऊपर।
तो वो सामान ज़्यादा का तो नहीं था, 4,500-5,000 का था, तो हम लोगों के लिए 4,500-5,000 रुपये मायने रखते हैं भाई। हाँ, जो मतलब जिन लोगों के लिए नहीं होता होगा उन लोगों के लिए नहीं होता होगा, लेकिन हम लोगों के लिए मायने रखते हैं। इतनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, और पता नहीं किस किस तरीके से करके क्या करके कपड़े लिए थे या कुछ भी लिया था, या कोई भी सामान आदमी ले और वो ऐसे ही चला जाए तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को भी किसी का भी कोई भी सामान मिले या मिल जाए, या किसी का भी कोई सामान गलती से छूट जाए, या वैसे तो कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है, कोई बेवकूफ़ नहीं होता, लेकिन अगर छूट जाए किसी का गलती से सामान, या गिर जाए, या कुछ भी हो जाए, अगर आप लोगों को मिले तो, अगर हो सके तो आप लोग उसको कोशिश करके आप उसको उनको वापस करिए। और पता नहीं कैसे इंसान ने अपने लिए क्या चीज़, मतलब किसी के पैसे गिर जाते हैं कई बार, तो इंसान ने पता नहीं कैसे करके वो कमाए होते हैं, किस चीज़ के लिए कमाए होते हैं, कि क्या करने के लिए कमाया होता है या कुछ भी है, तो दुख तो होता है, ठीक है, चाहे किसी का 1,000 गिरे गिर जाए, चाहे 1 रुपया गिर जाए, ठीक है, दुख उतना ही होता है। लेकिन चलो ठीक है, अब भैया ने वो हमारे को सामान वापस नहीं किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या फालतू सी वीडियो बनाई है इन्होंने, लेकिन ये फालतू सी वीडियो नहीं है। जो कपड़े हमारे ऑटो में रह गए थे, वो उस कपड़े के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, 4-5 दिन मैंने वो खुद ही सिला है, और उसमें बाकी मतलब काफ़ी चीज़ें लगाई भी हैं, उसमें मैंने लोन लगाया था और डिज़ाइन बनाए थे, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत मेहनत करके फिर मैंने उसको सिला था। जो सूट था लेकर आए थे दुकान से वो तो गए गए, लेकिन उस पर जो मैंने मेहनत की थी, और पता है यहाँ पे अंबाला में अभी काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हो रही और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी के टाइम में बैठकर सिलाई करना कितना मुश्किल हो सकता है, तो ये जो सिलाई करता है ना उसको पता होगा। तो अब मैं कहना चाहूँगी ये कि वो अगर ऑटो वाले भैया अगर ये वीडियो देखें कभी भी, तो मैं कहती हूँ शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, कि आप 4-5 हज़ार रुपये के सामान के लिए गिर गए इस तरीके से। अगर आप चाहते तो हमें वो सामान हमारा वापस कर सकते थे, लेकिन आपने वापस नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, नहीं किया वो आपकी मर्ज़ी है, भगवान सब देख रहा है। तो जैसे आपने हमारा दिल दुखाया है, मैं बता रही हूँ उस दिन मुझसे खाना नहीं खाया गया, इतना सा चावल और आधी रोटी खा के मैं वहाँ से चली आई, और उस दिन का मैंने फंक्शन भी अटेंड नहीं किया, इतना मन था ना मेरा, लेकिन सूट और सामान वो हो गया तो मेरा मन बिल्कुल ज़्यादा मतलब बिल्कुल ख़राब हो गया, बिल्कुल भी किसी से ना बात करने का मन कर रहा था, वहाँ पे डांस वगैरह सब कर रहे थे, मैंने कहा खाना खाया हम लोगों ने, मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं, सब बोल भी रहे थे नहीं रुको रुको, चाची ने बोला मेरा सूट पहन लेना, मैंने कहा नहीं मुझे घर जाना है बस, अब कल मिलेंगे शादी में। तो चलिए फिर अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग अगर मेरे बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो भैया ने सही करा है या गलत करा है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।